what the next update is. Yes. Okay, so the next update is called the Wild Update. What's happening guys, this is Tiger और स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम में टाइगर यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाला अपडेट जो इन दीदी ने अभी बताया 1.19 अपडेट जिसमें जिसका नाम है द वाइल्ड अपडेट। और भाई आने वाला था डेजर्ट अपोकलिप्स लेकिन बदले में आ गए इतने सारे अपडेट्स। सो भाई डेजर्ट अपडेट में ज़्यादा कुछ होने तो वाला नहीं था, उसमें बस थोड़े बहुत पिरामिड्स होते हैं, मम्मीज होती है और भाई वो कुछ नए मॉब्स होते हैं थोड़े बहुत। लेकिन भाई ये जो वाइल्ड अपडेट है बहुत ही बड़ा अपडेट होने वाला है। लेकिन भाई एक दिक्कत ये है कि हमारे वार्डन चाचा ने हमसे एक अपडेट और की दूरी बना ली है। सो भाई इस अपडेट में क्या क्या होता है, भाई क्या क्या अमेजिंग चीज़ें आने वाली हैं, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। चलो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं ये है डीप डार्क सिटी। पहले बस डीप डार्क केव्स आने वाली थी लेकिन भाई अब ये सिटी आई है और भाई देख ही सकते हैं कितनी डरावनी है, कितनी क्रीपी है भाई साहब। मेरे को तो भाई जब मैं इसको हेडफोन लगा के सुन रहा था ना भाई, मेरे तो भाई बहुत ही डर लग रहा था मतलब मुझे। और भाई ये देखो भाई ये है एंट्रेंस भाई साहब, कितना सुंदर है लेकिन क्रीपी भी उतना ही है। वाह यार कुछ भी कहो भाई, माइनक्राफ्ट अब गेम एक अच्छे सर्वाइवल, एक मतलब सिंपल सर्वाइवल गेम से एक एडवेंचरस गेम होता जा रहा है। और भाई ये देखो आपको यहाँ कहीं भी चेस्ट मिल सकती है और चेस्ट में ट्रेजर भी होगा भाई साहब। ये देखो इसमें केव भी है ये भाई, ये देखो गाइस अब सिनेमैटिक शॉट। वाओ यार कुछ भी कहो भाई, माइनक्राफ्ट इस बार तो भाई खेल ही गया सही में। वाओ भाई डीप डार्क केव्स और या डीप डार्क सिटीज आप क्या पसंद करते हैं आप मुझे ये बताइए। ये देखो गाइस यहाँ से हम इसमें जा सकते हैं, ये सामने देखो यार कितना बड़ा सा स्ट्रक्चर लग रहा है देखने में। और भाई ये आएगा सर कैटालिक्स, पता नहीं भाई इसको क्या बोलते हैं, मैं तो इसको आत्मा पकड़ को बोलता हूँ क्योंकि भाई आप कोई भी इसमें मॉब मारोगे आप देख ही सकते हो उसकी आत्मा कैसे इसमें मतलब एक तरह से उसकी आत्मा कैप्चर कर लेता है। और भाई सर्क सेंसर को आप तो जानते ही हैं, ये देखो भाई मैंने इसको मारा और उसकी आत्मा भाई इसमें आ गई। वाओ और भाई इसका ज़्यादा कुछ क्या काम होगा ये तो मुझे ऐसे पता नहीं है लेकिन भाई मैं तो इसको आत्मा पकड़ो ही बुलाऊँगा। और भाई ये देखो ये है भाई सल, और हम इसको ऐसे हो से तोड़ सकते हैं, ये नॉर्मल हो से टूट जाएगा। और ये देखो भाई ये है वेंस वगैरह, एक मिनट ये आप कस से इसको तोड़ के ले सकते हो, ये जो वेंस हैं भाई साहब ये भी कितना सही चीज़ है। भाई आत्मा कैचर को भी आप पकड़ सकते हो नॉर्मल हो से, आ गया देखो ये देखो भाई। और इंचेंटेड हो से भी आप इसको तोड़ सकते हो, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हो का थोड़ा काम हो गया। अब आ गया भाई सल्क शेवियर जो भाई ये है भाई, ये मतलब जैसे ही ये जो सल्क सेंसर है ना ये इस अपडेट में बहुत बड़ा ही कुछ रोल निभाएगा। ये क्या करेगा जो सल्क सेंसर उसको वो देगा सिंबल देगा मतलब सिग्नल देगा उससे भाई ये आपको डार्कनेस नो स्लोनेस ऐसे करके इफेक्ट दे देगा। देखो भाई ये क्या कुछ मतलब एकदम रेस ही छोड़ता है। और भाई ये देखो ये आपको डार्कनेस पड़ गया। और भाई अगली चीज़ है भाई हमारे प्यारे वार्डन भाई, जिसको भाई जिसके लिए हम लोग तरस रहे भाई जिससे लड़ने के लिए, लेकिन भाई बहुत ख़तरनाक होने वाले इसलिए इसको थोड़ा डिले किया जा रहा है। और भाई यहाँ इसको आपको इसकी चेस्ट में मिल सकता है। ये देखो भाई इसको मुश्किल ऐसे कर दिया गया है, पहले सल्क सेंसर बिछे रहते थे लेकिन भाई अब ऐसा हो गया है। ये देखो भाई कुएं में अंधेरा ही अंधेरा हो गया है और इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं। उसके बाद भाई यहाँ कहीं भी कहीं से भी भाई वार्डन आ सकता है, वो यहीं कहीं घूम रहा होता है। भाई मैं तो इसके ऊपर छट के देखता हूँ। ओह माय गॉड, ओ भाई आ गया वार्डन आ गया। भाई ये देखो डार्कनेस का इफेक्ट दे दिया इसने हमें, जैसा कि मैंने कहा था भाई ये डार्कनेस का इफेक्ट देता है। और भाई एक बात अच्छी है कि वार्डन जो है उसको दिखाई नहीं देता, वो बस सब चीज़ सेंस करता है। ओह शिट यहाँ एक सल्क सेंसर था भाई तो वार्डन में पीछे आ गई। और भाई ध्यान रखना आप इससे बचकर भाग ही नहीं सकते भाई, क्योंकि इसकी जो स्पीड है ना वो लगभग हमारे प्लेयर जैसी है। भाई ये तो पीछे ही पड़ गया, इसलिए भाई आप क्राउच होकर चले तो ज़्यादा अच्छा। भाई कहीं भी नॉर्मली स्नोबॉल फेंकते हो भाई जिससे इसको सिग्नल मिला और ये आपसे दूर भटक जाए। भाई वार्डन बहुत ख़तरनाक चीज़ है वैसे देखो। ओ शिट अब तो मैं गया भाई 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 भाई, भाई बहुत ही डरावना है मतलब भाई बिल्कुल ही हमें ब्लाइंडनेस का इफेक्ट दे रखा है। भाई ये देखो इसने मुझे फुल नेदरराइट आर्मर में बस दो ही अटैक में मार दिया। अगला है भाई हमारे ये जंगल अपडेट, इसमें भाई हमारे जंगल को काफ़ी इन्हांस कर दिया गया है और भाई एक नई बायोम भी ऐड की है। ये देखो गाइस पहले जो सबसे पहले आने वाली चीज़ है ना इस अपडेट में
वो है भाई हमारी ये बोट विथ चेस्ट, मतलब भाई ये एक तरह से आपका बैकपैक हो गया। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम फिशिंग वगैरह करने जाते हैं, सी को एक्सप्लोर करते हैं, तो बहुत सामान हो जाता है और भाई फिर इन्वेंटरी में से काफ़ी चीज़ें फेंकनी पड़ती है, इसलिए भाई ये बोट विथ चेस्ट आ गई। चेस्ट क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, बोट विथ चेस्ट आ गई है भाई, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। और भाई एक चीज़ आई है जो है मैंग्रोव ट्री भाई, और ये इसको आप अंडर वाटर रिप्लेस करना है। जैसे हम नॉर्मल किसी भी ट्री की सैपलिंग को ऊपर लगाते हैं तो भाई ये ऊपर नहीं लगेगा, और भाई बड़ा होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। वाओ कितना अमेजिंग लग रहा है, ये आप देख ही सकते हैं भाई, इसमें लीव्स हैं और भाई ये इसकी जड़ें हैं, जैसे मैंग्रोव के पैर नहीं होते भाई, ये एकदम वैसे ही हैं। और भाई ये काफ़ी सही चीज़ है, ये देखो भाई ये शायद आएगा फ्रूट्स हैं इस पर या फ्लावर भाई, इसको ऐसी कुछ। और भाई ये देखो, ये है भाई मैंग्रोव की जो वुड है ना भाई, वो ऐसी दिखेगी, उसके लॉग, उसके फैंस, सभी कुछ आपको यहाँ पे दिखा दिया गया। और भाई ये देखो, इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है हमारी जंगल वुड से। और भाई ये जो होगा ना भाई, ये बिल्कुल ही एक अलग बायोम होने वाली है, जैसा कि भाई आप लोग अभी देखना, ये देखो गाइस, ये कोई अलग बायोम होगी, स्वाम्प मैंग्रोव बायोम, जो कि भाई काफ़ी सही है वैसे, मैंग्रोव स्वाम्प होगी सॉरी। और भाई ये देखो, यहाँ पूरे में मड क्ले है, क्योंकि भाई जैसा नॉर्मल स्वैम्प होता है भाई, फिसलन भरा। और भाई इसमें अगर हमारा प्लेयर चलते चलते गिर जाता ना तो भाई और ही मज़ा आता। ये देखो गाइस कितनी बड़ी बायोम होने वाली है, और इसमें देख ही सकते हैं आप कितनी सारी पेड़ हैं, कितनी सारी जड़ें हैं इन पेड़ों की, काफ़ी सुंदर भी है वैसे ये बायोम देखा जाए तो। वाह यार मेरे को तो ये सनसेट बहुत ही प्यारा लगता है इस बायोम में, ये बायोम भी वैसे। और भाई ये आने वाली है हमारे अगले अपडेट में जो चीज़ है, वो है ये मड, मतलब भाई कीचड़। अब इसको आपको क्या करना है, डर्ट के ऊपर पानी डालते ही जैसा कि आपने देखा कर सकते हैं, और भाई इससे आप ऐसे एक पानी का सोर्स बना सकते हैं ड्रिप स्टोन के ऊपर रख के। और भाई काफ़ी देर बाद जब, मतलब जैसे ही ड्रिप स्टोन सारा पानी निकाल लेगा ना, ये आपका एक नॉर्मल क्ले ब्लॉक टाइप का कुछ बन जाएगा, और इसके आप ब्रिक्स बना सकते हो, मड ब्रिक्स। भाई ये कितनी सुंदर है, मुझे तो भाई ये बहुत पसंद लगी, आपको पसंद आती है नहीं कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई ये आने वाले हैं अगली अपडेट में जो है फ्रॉग्स, भाई देख सकते हो कितना अच्छा बना है, एकदम रियलिस्टिक सा है ये फ्रॉग, इसका मतलब वो पेट है या मुँह है मुझे खुद नहीं पता, फूलता है और भाई ये उछलते हैं। देखो भाई कितने अच्छे फ्रॉग्स हैं भाई, मेरे को तो ये काफ़ी क्यूट भी लगे हैं, लेकिन भाई रियल लाइफ के फ्रॉग्स तो बिल्कुल क्यूट नहीं होते। क्या आपको फ्रॉग्स पसंद है मुझे बताओ। और ये देखो भाई, मतलब इसको काफ़ी डिटेलिंग से बनाया है और काफ़ी अच्छा है भाई, फ्रॉग हैं तो उनके खाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो भाई उसके लिए ऐड किया फायर फ्लाइज, यानी कि जुगनुओं को, जिससे भाई फ्रॉग अपनी वैसे जीप से उसको खा सकें। और कहीं से चमकते भी हैं, तो भाई काफ़ी सही है, जैसे आप स्वयं बायो में रात में ट्रैवल करते हैं तो इससे आपको काफ़ी कुछ दिखेगा भी। और देख सकते हैं फ्रॉग कैसे इसको खाता है, वाह मुझे तो भाई ये फ्रॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और भाई अगली है ये फ्रॉग्स के बच्चे, यानी कि टैडपोल, मतलब भाई वैसे तो माइनक्राफ्ट का लॉजिक लॉजिक है ही नहीं, लेकिन भाई माइनक्राफ्ट वालों ने लॉजिक का काम किया तो उन्होंने बेबी फ्रॉग की जगह टैडपोल्स को ऐड कर दिया। और भाई ये फ्रॉग्स ना आपको कई जगह कई बायो में मिलेंगे, स्नो वाली बायो में, स्वैम्प वाली बायो में, और ये बड़े हो गए कुछ ऐसे दिखेंगे, मतलब ये ग्रीन कलर के हैं और पहले वाले ऑरेंज कलर के थे। वाह यार ये आने वाला अपडेट तो बहुत अमेजिंग है, क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ भाई ये देखो, जो भाई हमारे तीन मॉब के लिए वोट हुआ था, जिसमें पहला था ग्लेयर, दूसरा था एली और तीसरा था कॉपर वर्म, तो भाई एली जीत गया है इसमें, काफ़ी ज़्यादा वोट मिले हैं उसको। और भाई एली जिसकी एबिलिटी है भाई मेरे ख्याल से वो आपका सामान डुप्लीकेट कर सकती है, तो भाई क्या आपको एली पसंद आई, और भाई इसको आप टेम भी कर सकते हो, वाह काफ़ी सही चीज़ है ये। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो गाइस, इसी बात पे देखो गाइस कितनी सही चीज़ें हैं भाई, माइनक्राफ्ट बहुत अमेजिंग होता है। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और भाई अगर आप नए नए आए हो कहीं घूमते फिरते आ गए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और गाइस मेरे को आपसे भाई एक मतलब बात करनी है भाई, मैंने भाई इतनी मेहनत करके भाई आपके लिए एक भाई एनिमेशन बनाया भाई, मैंने उसमें डबिंग की है यार, और भाई आपने उसको भाई बहुत ही कम सपोर्ट किया, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कर लो। और भाई मैं आने वाली वीडियो आएगी एक अपडेट और मोड की, और भाई जो लोग बात कर रहे हैं मेरी सर्वाइवल सीरीज़ की, तो भाई वो मैं जल्दी लाऊंगा, लेकिन मैं सोचूँ सर्वाइवल सीरीज़ ना ला के वो कोई अच्छी सीरीज़ लाऊं, मतलब किसी और टॉपिक पे लाऊं, जैसे कोई पैरासाइट या ज़ॉम्बी अपोकलिप्स या 100 डे सर्वाइवल, तो भाई मुझे क्या करना चाहिए कॉमेंट में बताना। और भाई प्रोगेमर जैगुआर, प्रोगेमर पैंथर और भाई जीनो जेड के चैनल को चेकआउट कर लो भाई, काफ़ी अमेजिंग चैनल्स हैं। और भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। Bye. Bye. Bye.